तो गाइस ये 1000 के 1600 मिल रही है। तो गाइस यहाँ पे करेंसी चेंज जो है 1000 का 1600 है, नेपाली रुपए से गिन रहे हैं। 5000 एक्सचेंज करवाए हैं हमारे भारत नेपाल बस में, भारत नेपाल इंडिया जो पटना से काठमांडू चलती है। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो गाइज एक आपके साथ एक नए सीरीज के साथ जुड़ चुके हैं और आप लोग शायद पता होगा शॉर्ट के जरिए कि मैं एक नए सीरीज पर निकाल रहा हूँ, इंडिया टू नेपाल इंटरनेशनल ट्रिप है गाइज। और मेरा एक फर्स्ट ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप होने जा रही है। और गाइज ये बस मुझे काठमांडू स्वयंभूनाथ मंदिर के पास, मतलब कि वहाँ डिपार्चर करी गाइज। तो चलते काठमांडू जाती है। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ आप काठमांडू कैसे जा सकते हैं। तो पहले पटना जंक्शन आ जाएँ और पटना जंक्शन से आप मीठापुर आ जाएँ, 10 रुपये भाड़ा लगेगी ऑटो का। और गाइस यहां से आपको मतलब ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं वीडियो का कि आप मत समझे कि स्पॉन्सर हो रहा है। तो मैं गो आई बी वीवो से और कोई भी प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं गाइस। तो आप वहां से मतलब कि 1050 रुपीज़ में आप इसको बुक कर सकते हैं। BSRTC की बस है, ये सरकारी बस है गाइस, सिर्फ सरकारी बस है। तो आप देख सकते हैं बस और चलते हैं और आप लोग अंदर का दिखाते हैं हमारा सीट कैसा है। तो गाइस ये BSRTC की बस है, ये सरकारी बस चलती है पटना से। और गाइस अभी मैं पटना हूँ मीठापुर में, और मीठापुर में से यहाँ बस खुलती है गेट नंबर 2 से। तो गाइस कभी भी आप लोग आ रहे हैं नेपाल घूमने का मन हो तो नेपाल में आप बस से जा सकते हैं। और अच्छा मतलब कि कंफर्टेबल रेट है इसका, मतलब कि मुझे अराउंड पड़ा 1000 रुपीज़ इसका बुकिंग चार्ज मेरा, और जो भी GST वगैरह लगेगा कुछ भी, तो टोटल आपको 1050 में हो जाएगा ये बस का चार्जेस है। तो गाइस आप लोग चलता हूँ, मैं अपना सीट दिखाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कैसा मेरा सीट मिला है बस में। और ये यहाँ से एंट्रेंस गेट है यहाँ से। तो गाइस मुझे 17 और 18 सीट नंबर मिली है। तो 17 और 18 नंबर तो दिखाते हैं आप लोग को, अभी तो यहाँ पर अंधेरा है। और ये है 17 18 और ये मुझे सीट मिली है और देखते हैं बैठ के। तो गाइस अभी मैं अपना सीट पर आ चुका हूँ और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और गाइस आप भी ट्रैवलिंग करना चाहते हो यार तो कुछ कमाओ और ट्रैवल करो, दुनिया में कुछ नहीं है यार ट्रैवल से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। ट्रैवल करो, कुछ सीखो, कुछ नया चीज़ हर दिन सीखो, हर चीज़ नया आदमी के साथ मिलो। तो गाइस मैं इतना ही बोलूँगा, ट्रैवल करो यार, ट्रैवल बहुत अच्छी चीज़ है, सीख मिलती है, नॉलेज मिलती है, सब कुछ मिलती है। गाइस ये बस आप देख सकते हैं पूरे खाली है, क्योंकि गाइस ये बस यहाँ से 1:15 में खुलेगी और स्वयंभूनाथ टेम्पल सुबह मुझे 7:15 में पहुँचा देगी। गाइस वहाँ मैं काठमांडू स्वयंभूनाथ टेम्पल के पास मैं पहुँच जाऊँगा 7:15 में गाइस। तो गाइस अभी चलते हैं। और ये कुछ नज़ारा है पटना सिटी का, जो पटना मीठापुर बोलते हैं। तो चलते हैं और इस जर्नी के आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए ये जर्नी में क्या क्या होने वाला है और पूरी राइड जर्नी होगी, क्योंकि इंडिया टू नेपाल आपको दिखाऊंगा, पटना टू काठमांडू। हम लोग बैठे हुए हैं भारत नेपाल बस, हमारे भारत नेपाल बस में, भारत नेपाल इंडिया जो पटना से काठमांडू चलती है। तो गाइस हमारा जो बस जर्नी है यहाँ पर बस फ्यूल लेने के लिए रुकी है, आप देख सकते हो। और फ्यूल लेकर फिर से राइड पर निकलेंगे और राइड अभी पूरी नहीं हुई तो तब तक बने रहे और बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत एक्साइटेड में है। तो आप देख सकते हैं अभी पेट्रोल पंप है और फ्यूल ले रही है बस फ्यूल होकर। गाइस अब पूछते हैं यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज क्या रेट में मिल रही है और क्या रेट में मिलती है, तो देखते हैं यहाँ पर ही। और ये है नेपाल बॉर्डर, तो चलते हैं और सीधे अब करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं इंडिया के और नेपाल का पैसा लेते हैं और देखते हैं क्या रेट चल रही है अभी और कितना परसेंट चार्ज लगने वाली है।
वो भी देखते हैं, कवर करते हैं। तो पता करते 1000 के 1600 मिल रही है। तो गाइस यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज जो है 1000 का 1600 है 1.6 का, तो लेते हैं और फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ जेपी ने एक करेंसी एक्सचेंज करवा रही है भैया से, करते हैं और फिर चलते हैं। ओके, तो नेपाली रुपये गिन रहे हैं, 5000 एक्सचेंज करवाए हैं और देखते हैं कितना। जेपी ने 5000 के लिया है तो हम लोग 8000 मिला है। और गाइस यहाँ पर 1.6 का रेट चल रही है और आप लोग 2% यहाँ पर ही देने पड़ता है, दलाली खाती है लोग। और यहाँ पर दलाल लोग बैठे हुए हैं तो सतर्क रहें दलाल लोग से भी। और यहाँ पर आए तो पहले अपना पर्स वॉलेट ध्यान दें, दलाल लोग आप लोग लूट के चला जाएगा। और अक्सौल ये बॉर्डर है, चलते हैं बस में चलते हैं। बस मेरा है, मेरा बस भाई। तो गाइस अभी हम लोग ये ढाबा पर आए हैं और गाड़ी यहाँ पर रुकी है कुछ ब्रेक के लिए, क्योंकि गाड़ी 100 किलोमीटर लगभग चली है बीरगंज से और यहाँ पर रुकी है कुछ खाने के लिए, क्योंकि रात में गाड़ी के बाद रुकी है सीधे काठमांडू। चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या खाने के लिए मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, दिखाते हैं क्योंकि यहाँ 100 किलोमीटर बाद गाड़ी रुकी है ढाबा पर। चलते हैं पहले ढाबा के बाद। तो गाइस हम लोग यही होटल में रुके हैं और ये होटल लिली है और ये यहाँ से एंट्रेंस है और ये ऐसा कुछ गली है, माहौल है। तो गाइस ऐसा ही कुछ माहौल है गली का, थामेल का, ये थामेल का गली है जहाँ पर रात में लाइट अप होती है। और ये होटल लिली है, इसमें हम लोग रुके हैं, चलते अंदर देखते हैं। और इसका और मैं आपको रूम दिखाता हूँ, रूम मैं लिया हूँ और अच्छा रूम है, बेड फ्रेंडली रूम है। तो चलते हैं, ये होटल ले लिया ऊपर और ये इसका रिसेप्शन है, यहाँ पर आप आएँगे तो रिसेप्शन है। और ये आपसे भैया मिलेंगे, आपको चीप रेट पर आपको रूम अवार्ड मतलब देंगे और अच्छा क्वांटिटी में, और साफ़ सफाई भी रूम का अच्छा है और बहुत मतलब क्लीन भी है, देख सकते हैं आप ऊपर, देखते हैं। तो आइए, फोर फ्लोर पे मेरा रूम है, अब देख सकते हैं। और ये फोर फ्लोर पर जाते हैं और आपको अपना रूम दिखाते हैं। मेरा रूम नंबर 404 है, तो ये 404 रूम नंबर है। तो हाय जेपी, हाय ब्रो, कैसे हो? बस। तो गाइस ये रूम मुझे पड़ा है अराउंड 1500 नेपाल रुपीज, हाँ देख सकते हैं। और कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता चाहता हूँ, होटल लिली नाम है होटल का। और यहाँ पर आए तो रेट चिप है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इंडिया रुपीज मिलेगी गाइस आप लोगों को, इंडिया रुपीज मिलेगी 950 में, ये इंडिया रुपीज पड़ेगी और नेपाली पैसा वही 50 पड़ जाएगी। तो आप लोग आए ये रूम में और इंजॉय करें हमारे इधर। तो गाइस ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि प्रमोशन होटल कर रहा हूँ। तो गाइस मुझे होटल में अच्छा लगा और 1500 मुझे चिपेस्ट लगा एंड नेपाली रुपीज में, ये मत समझना इंडियन रुपीज में, नेपाली रुपीज देना है 1500 रुपया। तो गाइस मैं इतना ही बोलूँगा, वीडियो मुझे अच्छा लगा हो इंडिया टू नेपाल का तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक नाइट लाइफ के साथ मिलते हैं फिर से जेपी भाई के साथ में, तो चलते हैं, बाय बाय गाइस। और फिर से एक नए ब्लॉग में मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो और लॉन्डिया के साथ कुछ मिलता है।